गाइस, मेरा नाम शहबाज़ और आप देख रहे हैं टिकेरी चैनल को। गाइस, मैं आज एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि अमेज़न का सर्वर मुझसे चीट किया। आज लगभग 26 है, 1 महीना होते जा रहे हैं कि कोई, मैं एक सामान को ऑर्डर किया था, मेरा अभी तक ऑर्डर मुझे मेरे घर पे नहीं मिला है। और मैं एक एज अ सेलर होके भी अगर इस तरह के हरकतें अगर देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आती है। और उसे मैं एक मेल भी लिखा, सेकेंड मेल भी लिखा, और वो कॉल भी मुझे किया, बट ऑर्डर मुझे नहीं कर रहा है। बार बार ये कर रहा है, मिस हो जा रहा है, मिस हो जा रहा है। यार व्हाई व्हाई अमेज़न क्यों क्यों ऐसा करवा रहे हैं? क्यों ऐसे लोगों को वो और सेलर बना रहे हैं, बिना चेक, बिना एग्ज़ाम, बिना कुछ भी, ऐसा ऐसा दे दे रहे हैं। अभी उसकी वजह से कस्टमर को कितनी प्रॉब्लम होती है। अच्छा सेलर, मैं समझ सकता हूँ चीज़ें, मुझे तो नहीं होता, बाकी सेलर से तो नहीं करते हैं, बाकी सेलर मैं हूँ और भी हैं बहुत सारे मार्केट में, ऐसा क्यों? अमेज़न की इतनी फास्ट ग्रोइंग है, बस अभी क्या बोलूँ मैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से वो पेंडिंग में रखा हुआ है, कहें क्यों है, उसका रीज़न भी मुझे नहीं बता रहे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मेरा ऑर्डर है, मैं अपने ऑर्डर में जाता हूँ, ऑर्डर में जाने के बाद ये देखिए एक्सपेक्टेड डेट क्या शो कर रहा है, 8 नवंबर को डिस्पैच का, लेकिन कुछ नहीं, डिस्पैचिंग है इन द अवे बता रहे हैं बार बार यही चीज़ें। अभी मैं ट्रैक पैकेज पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी ऐसे ही है। ये देखिए एक्सपेक्टेड बाई 8 नवंबर, इट्स ऑन द वे। यार कब तक? 31 अक्टूबर आप देख रहे होंगे, ये देखिए 31 अक्टूबर, टिल इसके बीच में आपको मिल सकता था 3 से 8 नवंबर तक, बट अभी कहाँ गया मुझे खुद नहीं पता। अभी जब उससे कांटेक्ट करके बोला, अभी मैं यहाँ पे इतनी बार मैं कांटेक्ट सेलर को किया, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैसेज भी मैंने लिखा, काफ़ी टाइम लिखा, 3 टाइम लिख चुका हूँ मैं, बट रिपोर्ट, इसलिए मुझे गुस्सा है। मैंने कहा वीडियो बना के मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि एज ए सेलर को जांच परख लें या किस तरीके से हो उनसे दूर रहें, या फिर सेलर कुछ भी हो, कोई भी हो, अगर ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ ऐसा मत करें। मेरे साथ किया ठीक है, बट अदर कस्टमर के साथ प्लीज़ ऐसा मत करना। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दीजिए, मत सेल करिए उस चीज़ को, जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं आप, बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वाई मत करिए वो चीज़ें। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर ना पसंद आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय।